होता है, संकल्प मेरे में क्यों पैदा होता है, इच्छा भी क्यों पैदा होती है, क्योंकि तुमने मन को अनेक गली घुमाई। तो जहाँ जहाँ मन गया तो थोड़ी बहुत संसार की मिट्टी अंदर लेके आया, अंदर मिट्टी लेके आया। कोई भी खिड़की खोलो, तुम एक महीने के बाद आओ, खिड़की खोल के जाओ, देखो कितनी मिट्टी चल जाएगी, कितना तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तुम खिड़की सब बंद करके पीछे बैठ जाता है। तभी ये ज्ञानी बोलता है, मैं आत्मा हूँ, मेरी कोई भी खिड़की न खोले, कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंत्यकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अंत्यकरण में हमारे ज्ञान ज्योति जले, इतना वैराग आए, इतना अपने में चिक जाए, जो संसार मेरे को मिथ्या लगे। मिथ्या माना जो है नहीं, प्रभास है, संसार है नहीं, है परमात्मा, है भगवान। पर तुमको संसार लगता है तो ये तो है ना संसार, इतना संसार में दुख है। पर तुम समझो जो तुम्हारी राजाई है वो मेरी राजाई है, भगवान की है, नमत मात्र है। होने वाली बात जरूर होगी, न होने वाली बात न होगी। फिर तुम सोच विचार करेगा, चिंता करेगा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। ये मार्ग संसार का नानक स्थिर नहीं है, ये संसार का जो मार्ग है वो स्थिर नहीं है। तो क्या करें, जो हम बेगमपुर में रहें, हम समझे तो हम सैर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कुछ भी होगा वो बाहर होगा, मेरे अंदर न होवे, अंदर संसार न रहे, अंदर संसार की आवाज न लगे। चाहे कहाँ भी तुमको भगवान रखे, तुम बोलेगा जो तो स्वामी साई बलि का तुम्हारा है, सब है। बोलते है मैं हाथ नीचे किया, मेरी तो कुछ चलता नहीं, पर तू पहले चलाने की कोशिश बहुत करते है। ये बच्चे ये मरे न, ये ऐसा न, कोई बच्चा बीमार होगा बोलेगा बड़े डॉक्टर को लेके आओ, बड़े डॉक्टर को बोलती है अरे एक ही मेरा बेटा है, तुम ऐसी इंजेक्शन लगाओ बोले 1000 रुपए हो गए पर मेरे बेटे को बचाओ, डॉक्टर को दूसरे दिन वही मर जाता है। तेरे को बेटे को बचाए या वो अपने को बचाए डॉक्टर, डॉक्टर खुद ही मरते हैं, खुद ही जलते हैं, खुद ही अज्ञानी है, डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है। जब उसका हुक्म नहीं है परमात्मा का तो डॉक्टर क्या करेगा। वो हकीम ऐसा था एक, बोलता है कोई भी मेरा एक डोज ले तो बस अमर हो जाए। तो एक दिन उसको लेके आया लुकमान हकीम को, बोला मेरे बेटे को देख, उसने उसको दवाई दी, उसकी वामित हो गई, दवा अंदर गई नहीं तो कैसे वो ठीक होगा। तो उसको बोला तुमने बोला एक ही डोज देगा वो ठीक होगा, चीज देखो पत्नी को फर्क करे कने जरे अमर से हो न जो पक्की भी तभी लगेगी जब परमात्मा उसका अंदर जाएगा ना, खाना दवाई अंदर जाएगी ना। पर जब वामित आ गई तो वो दवा अंदर गई नहीं, तो वो आदमी ठीक कैसे होगा। तो देखो कौन सा बड़े में बड़ा हकीम होवे पर उसकी चलती नहीं, कहाँ भी किसकी नहीं चलती है। जो होने वाला बात है सो होगा, वे जो ड्रामा है ये फिक्स है। जब प्रकृति सुलभ है तो रामचंद्र का पत्थर भी करेगा, जब अनफेवर में प्रकृति है तो देखो उसकी सीता चले जाएंगी। वो राम है ना तेरा भगवान राम है, फिर उसकी स्त्री क्यों गई रावण के पास, फिर उसने जूठी करके उसको निकाल दिया। देखो ऐसी सीता और ऐसे जनक की बेटी, उसको भी जंगल में जाना पड़ा, दुख देखना पड़ा। तो दुख से कौन छूटा है संसार में। ये संसार जो है ना जीव सृष्टि धरती पर जो नाच करते हैं तुम लोग, वो संसार फिर नहीं, इसीलिए ज्ञान लेना पड़ता है। तो कैसे हम हालत को सामना करें, तुम्हारे पास जो हालत आए बोलो ये मेरी रजा थी, मेरी मर्जी थी, मेरी मर्जी थी तो मैं जीते जी ऐसा नाटक देखूं, मरने के बाद मेरे कुछ भी होवे तो मैंने नहीं देखा, पर मेरे सामने जो चीज मेरे मरने के बाद होवे वो मेरे जीने से होवे तो मेरी वासना न जाए। वासना खत्म होने के लिए कुछ भी हालत आए, पहले मैं कितना था अभी मैं कितना हूँ अभी कितना हूँ, तो देखो मनुष्य वासना जन्म से लेके आया, तभी जन्म मिला, फिर वासना बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए। तो जो ये अंदर का विकार है ना, वासना तृष्णा इच्छा, वो अंदर में बढ़ती जाती है जब तुम दुनिया में आए थे।
तो इतनी इच्छा नहीं थी, उधर उधर देखा तो तुमने कम नहीं किया व्यवहार को, पर जास्ती बोला होवे अभी भी मन में है मच वांट्स मोर, जास्ती जास्ती होवे तो अच्छा होगा, जास्ती होवे तो अच्छा होगा। तुम्हारा मन नहीं बोलता है तो मैं 0 पॉइंट पर आ जाऊं, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगू कुछ तिर नहीं, हम क्या मांगे, कुछ भी मांगे क्या मांगे।